तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे कलरफुल एलईडी स्ट्रिप लाइट का, जो कि बहुत सस्ते दामों में अवेलेबल है और आप इसका यूज़ कई प्रकार से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है और चार्जर कितने वोल्ट का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं इस डिवाइस का। तो ये देखिए, ये अमेजॉन से मैंने मंगवाया है और ये रहा हमारा स्ट्रिप लाइट और ये इसका चार्जर है। सब चीज़ हटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं कि ये कितने वोल्ट से वर्क करेगा, साथ ही इसमें कितने एलईडी हैं, पावर इसमें कितना वाट कंज्यूम होगा। उसी तरीके से यहाँ पे इस सर्किट का डायग्राम भी दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा स्ट्रिप लाइट। अब मुझे यहाँ पे इसे कनेक्ट करना होगा एडाप्टर से। तो यहाँ पे देखिए, जिस साइड में आपको ब्लू दिख रहा है, आपको उसी तरीके से ब्लू में ही आपको पेयर बनाना होगा और दोनों को यहाँ से पेयर बना लें। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये इसका सेंसर है, साथ में रिमोट, इसी से आपका रिमोट काम करेगा। और ये रहा इसका पावर एडाप्टर। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, RGB कंट्रोल बॉक्स, और स्ट्रिप लाइट का यही मेन पार्ट होता है। तो चलिए अब पावर देके देखा जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा लाइट जो है वो जल रहा है। अब हम रिमोट से चेंज करके दिखाते हैं आपको। पहले ये देख लीजिए, यही है उसका सेंसर और चलिए अब हम लोग कुछ देखते हैं चेंज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस हुआ है, मुझे नहीं पता, अभी मैं भी इसे नया यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ चेंज करके। आप इसमें डिफरेंट टाइप से ग्लो करा सकते हैं एलईडी को, लाइट डिम करा सकते हैं, फ्लैश करा सकते हैं, फेड कर सकते हैं, बहुत तरीके का है, आप खुद करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लाइट के पीछे में आपको चिपकाने के लिए अलग से कोई भी सॉल्यूशन या फिर पेस्ट लगाना नहीं होगा, इसमें इनबिल्ट है। आप कहीं भी फ्लोर पे, इवन बेड के नीचे भी बस इसे चिपका दें और एडाप्टर में पावर दे दें। और ये काफी लंबा है, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। लगभग 5 मीटर आपको इसमें लंबाई इसकी मिल जाएगी। मैं फिर से लाइट चेंज करके दिखाता हूं आपको। और अगर आपको ये लाइट लंबा लगता है तो आप इसे कहीं से भी काट सकते हैं। देख लें कि आपको यहाँ पे काटने का साइन दिया गया है, बस आपको यहीं से सिंपली कैंची से कट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको डायोड लगाया गया है ताकि एलईडी खराब ना हो, और साथ में आप एलईडी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने रिमोट से एक ही एलईडी को ग्लो करने के लिए कमांड दिया था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर का एलईडी ग्लो हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा लाइट है। अगर आप चाहते हैं अपने घर को अच्छे तरीके से सजाना और आपको इसके लिए ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने होंगे, लगभग 400 में आपको ये लाइट मिल जाती है और इसकी लेंथ भी काफी है। और मेरा ओपिनियन है कि इतने दाम में अगर ये लाइट मिलता है तो आप भी यूज करें। अच्छा लाइट विथ रिमोट आपको मिलता है और इस लाइट की खासियत ये भी है कि इसमें आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों इसी तरीके के कुछ लेटेस्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।